If you want my new and latest recipes, so please subscribe my YouTube channel and like my videos, and also share with your friends. And press the bell icon. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आई होप सब बिल्कुल ठीक है आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता या फिर वाइट सॉस हम मेकरोनी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने पास्ता मेकरोनी स्टाइल का लिया था तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं मेकरोनी मैंने यहाँ पे ली थी दो कप मैदा लिया था दो टेबल स्पून मजरेला चीज़ ली थी दो टेबल स्पून दो टेबल स्पून ही ऑयल लिया था वेजिटेबल्स ली थी कुछ जिसमें रेड शिमला मिर्च ग्रीन शिमला मिर्च और थोड़े से प्याज थे कटे हुए उसके बाद एक बड़ा कप दूध का ले लिया था गार्लिक लिया था यहाँ पर मैंने चॉप्ड वन टेबल स्पून मक्खन ले लिया था मैंने वन टेबल स्पून मिक्स स्पाइसिस लिए थे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए थे वन टी स्पून उसके बाद नमक हंसपे जरूरत लेंगे तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो बनाने की तरफ चलते हैं यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया उसके अंदर हंसपे जरूरत पानी डाल दिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और यहाँ पर आयल डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ठीक है अब हमने इसको बॉईल कर लेना अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा ठंडे पानी में हमने मैकरोनी नहीं डालनी गर्म कर करके ही डालनी बिल्कुल बॉईल आ जाए तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी ऐड कर दी पानी के अंदर अब हमने इसको दस पंद्रह मिनट तक पकाना है तो यहाँ पे फिर हमारी मैकरोनी डन हो जाएगी तो देखें जी यहाँ पर बॉयल्ड आ रहे हैं मैकरोनी को ये देखें आपने इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना और कम भी नहीं अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो फिर ऐसे मिक्स हो जाएगी अंदर तो देखें यहाँ पे मैकरोनी जो है हमारी तैयार है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बॉइल्ड हो गया चिपकी भी नहीं है आपस में एक एक जो दाना है वो अलग है ये देखें अगर इस तरह आपके कट हो जाए तो फिर तैयार है मैकरोनी तकरीबन हर इंसान जो है ना ये बना सकता है हर एक कोई पता होता है ठीक है जी तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन पैन के अंदर दो टेबल स्पून हमने डालना है ऑयल इसको अच्छे से गर्म करना है जहाँ पे मैंने जो चॉप्ड गार्लिक थी वो मैंने ले ली इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हल्का सा थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लें इसका कलर चेंज करने के बाद इसके अंदर वेजेज जो थी वो मैं डाल दूंगी आप अपने फेवरेट आपकी पसंद की जो भी सब्जी है वो अंदर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसको हमने फ्राई कर लेना दो तीन मिनट के बाद हमने बस इसको ख़त्म कर कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर हमने इसको जो है फ़्लेम जो है आप बंद कर देंगे तो यहाँ पर तकरीबन हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल तैयार थी हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर हमने पैन लिया उसके अंदर हमने वो दो टेबल स्पून जो मक्खन लिया था वो हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे अब यहाँ डाल देंगे दो टेबल स्पून मैदा मैदे को हमने मक्खन के साथ अच्छे से भूनना है जब इसका थोड़ा सा कलर हम इसको चेंज करना है आपको नज़र आएगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है तब तक इसको भूनते रहना है कच्चे मैदे में नहीं डालना दूध इसको अच्छे तरीके से हमने भून के तकरीब पाँच मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पे हाई करेंगे तो बिल्कुल जल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया जो मैंने लिया था एक गिलास अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे कोई कोई भी अंदर लम्बस नहीं रहने चाहिए ठीक है अब हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी डाला था क्योंकि बिल्कुल भी गाड़ी सॉस तो अच्छी नहीं लगती आप इसमें पानी पानी जो ऐड कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर हो रही है तो ठीक है तीन चार टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पानी डाला था देखे बहुत ही मज़े की सॉस तैयार थी मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स मिक्स स्पाइसेस और साल्ट ऐड कर दिया था स्पाइसेस जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सॉस हमारी तैयार है बिल्कुल अगर तो आपको और पतला करना तो आप थोड़ा सा और पानी या मिल्क ऐड कर लें तो जी तैयार है हमारी वाइट सॉस पास्ता बहुत ही मज़े की अब हम इसमें फ्राई जो अब मैंने की हुई थी वेजिटेबल्स वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी वॉइल्ड मैकरोनी एकदम से मैकरोनी सारी नहीं डालेंगे आधी आधी करके डालिएगा अभी मैंने थोड़ी सी डाली है पहले अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब फिर डाल दूँगी मैं आधी आधी मैं करके इसलिए डाल रही हूँ कि अच्छे से मिक्स हो अंदर कोई भी जो मैं करोनी है वो कहीं से रह ना जाए ठीक है जी अब मैं फिर डाल दूँगी अच्छे से इसको मिक्स मिक्स करना है आप देख सकते हैं कि कितना ये कितनी अच्छी और यमी लग रही है अभी से बहुत मज़े की लग रही है और वाकई में है भी बहुत मज़े की थी ना तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अगर आप इसको और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपने मिल्क इधर और ऐड कर लेना और थोड़ा सा इसको पका लेना ज़्यादा नहीं पकाना वरना मेक्रोनी टूट जाएगी तो जी देखें आप इसको एक दो मिनट के लिए हमने पकाना है यहाँ पे यहाँ पे मैंने चीज़ डाली थी, थी थोड़ी सी लेकिन वो जो मेरी मुझसे थोड़ा सा अंदर वीडियो स्किप हो गई है ठीक है वो दिन दे, आपको नज़र आ रहा होगा चीज़ आई डोंट नो कैसे लेकिन वो स्किप हो गई है तो जी हमारा तैयार है वाइट सॉस पास्ता तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना मुझे अपना फीडबैक भी देना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए आपको एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर